आरपीसीए ने चुने ऑल टाइम आईपीएल 11 टीम, विराट कोहली, एमएस धोनी और रोहित शर्मा में से नहीं चुना किसी को कप्तान। उनकी इस टीम में 12वें खिलाड़ी के तौर पर रविंद्र जडेजा को जगह मिली है, जो कि काफी चौंकाने वाली बात है। उन्होंने इस टीम में 4 विदेशी क्रिकेटरों को जगह दी है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का आगाज पहले 29 मार्च से होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच इसको 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच पूर्व क्रिकेटर रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी ऑल टाइम आईपीएल 11 टीम चुनी है। आईपीएल में खेल चुके आरपीसीए मौजूदा समय में कमेंट्री भी करते हैं। आरपीसीए की इस टीम में विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े नाम शामिल है, लेकिन उन्होंने इस टीम का कप्तान किसी को भी नहीं चुना है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बोले, धोनी को अभी 2 साल और खेलना चाहिए। आरपीसीए ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर इस टीम में डेविड वार्नर और रोहित शर्मा को चुना है, जबकि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उनकी पहली पसंद विराट कोहली है। 14 नंबर पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी उन्होंने एवी डिविलियर्स को दी है, जबकि 5वें नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी है। ऑलराउंडर के तौर पर आरपीसीए की टीम में आंद्रे रसेल, आर अश्विन शामिल है। अमित मिश्रा को उन्होंने अश्विन के साथ विशेषज्ञ स्पिनर के तौर पर चुना है, जबकि तेज गेंदबाजी का जिम्मा उन्होंने भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा को दिया है। उनकी इस टीम में 12वें खिलाड़ी के तौर पर रविंद्र जडेजा को जगह मिली है, जो कि काफी चौंकाने वाली बात है। उन्होंने इस टीम में 4 विदेशी क्रिकेटरों को जगह दी है। आईपीएल में आरपीसीए कोच्चि टस्कर्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, राइजिंग पुणे सुपर जायंट का हिस्सा रह चुके हैं। फ्रेंड्स, आपका आईपीएल 11 टीम के बारे में क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।